हिंदू मजहब और सनातन धर्म और कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे थे कि दोनों मजहब में कोई फर्क नहीं है, जो चीज़ें बताई गई है इस्लाम धर्म में वही चीज़ें, यानी इंसानियत और मानवता की तालीम हर धर्म दी गई। बिल्कुल टाइम नहीं बचा है और इसलिए और जो दूसरे हमारे स्पीकर मुखरिब थे उनसे इंतहाई माजरत करते हुए हम इस प्रोग्राम के सदर अध्यक्ष जनाब मौलाना सैयद बिलाल हसनी साहब नदवी का बरकात उनसे इंतहाई अदब दरख्वास्त करते हैं कि वह अपनी मुफीद और कीमती बातों से वाकिफ कराएँ। और ये होता यह है कि टाइम दिया जाता है 9 बजे का तो लोग आते हैं 11 बजे, और जो हमारे स्पीकर हैं उनका भी यही हाल है, हमारे जो सुनने वाले उनका भी यही हाल है। हम लोगों की इसमें गलती कहीं से नहीं है, आइंदा जो है ख्याल रखें। तो लीजिए मौलाना बिलाल साहब नदवी दाम बरकात हो आपके सामने है। सीधा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सीधों के साथ भी सीधा और टेढ़ों के साथ भी सीधा।
इसलिए कि अगर आप बुराई फैलाएंगे टेढ़पन को आम करेंगे तो बुराइयां आम हो जाएंगी, आदमियों के बाजार में गजी पैदा हो जाएगी, टेढ़पन पैदा हो जाएगा। इसी तरह कहते थे कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे डालता है तो तुम उसके रास्ते में फूल डालो, इसलिए कि अगर तुम फूल डालोगे तो कुछ तो खुशबू महकेगी, अगर तुम भी कांटे डालोगे तो कांटे ही कांटे नजर आए, और फिर अगर तुम कांटे डाल लो डालने वालों के रास्ते में फूल डालोगे तो उसका फायदा ये कर वो सोचेगा कि हमने जिसके रास्ते में कांटे डाले वो हमारे रास्ते में फूल डालना है, तो हम भी सोचें कि हमने आप ही कांटे डाले कि कोई हमने अच्छा काम नहीं किया। अच्छाइयाँ जब आदमी करता है तो उसे अच्छाइयाँ फैलती हैं, भलाइयों से भलाइयाँ फैलती हैं, आदमी भली बात कहता है तो उससे भले भलाइयाँ आम होती हैं, और आदमी सोचे कि हम दूसरे का गला दबा दें, हम खुद रोजी करें, बस हमारा भला हो, हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो, हमें जरा भी ख्याल ना हो कोई कमजोर है कोई जरूरतमंद है, तो याद रखिए कि चीज इंतहाई खतरनाक हमारे लिए। हमें दूसरों के दुखल पर शरीफ होना है, अपनी जिंदगी ऐसी बनानी है कि हमारी जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचे, और ये कि हमने यहाँ करप्शन फैलता चला जा रहा है, बुराइयाँ फैलती चली जा रही है, हमने सोचना बंद कर दिया, कोई ऑफिस में बैठा है और उसी वो काम करता है, जब कोई रिश्वत दे कोई पैसे दे कर आए, हमारे मौलाना तो कहते थे कि जो अकलमंद लोग होते हैं तो ऐसे पैसे रख के आते हैं जेब में कि काम करने वाला देख ले कि ये मुश्किल कुशा मौजूद है, ये पैसे मौजूद है जेब के अंदर कि पैसे देगा और काम हो जाएगा। ये मौलाना फरमाते थे कि उसकी निगाह उसके पेशानी पर सिलवटे हैं और पसीना है उस पर ना हो, उसकी परेशानी पर ना हो और उसकी निगाह उसकी जेब पर हो कि कौन सी इंसान है। तो भाई असल जरूरत ये है कि हम अच्छा समाज बनाए, हम भलाइयों को आम करें, हम करप्शन को दूर करें। नशा जो बढ़ता चला जा रहा है इस जो हमारे सामने इसको डांटा है, ऐसा है कि आदमी सुने तो हैरत में पड़ जाए कि नशा क्या है, बुराइयों को गोया को फैलाने वाली चीज़ है। जब नशा आदमी करता है तो ना माँ माँ रह जाती है, ना बाप बाप रह जाता है, ना बीवी बीवी रह जाती है, तो ऐसी बसरूखियाँ करता है, बुराइयाँ आम हो जाती हैं, तो उसके बाद रोकना मुश्किल हो जाता है। नशे को किस तरह खत्म किया जाए, बुराइयों को किस तरह खत्म किया जाए, इसमें कौन सा मजहब है जो आगे आता है, हर मजहब इन बुराइयों को बुराइयां समझता है और इनके खिलाफ आवाज उठाता है। जरूरत इस बात की है कि इन बुराइयों को दुनिया जो को बुरा समझती है, झूठ को क्या कोई अच्छा कहता है? लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इस तरह झूठ को फैलाया जा रहा है और झूठ को लोग शायद अच्छा समझने लगे कि क्या समाज को बनाने वाली बात है, क्या ये मुल्क को आगे बढ़ाने वाली बात है। आप याद रखिए कि बुराइयां फैलाई जाएंगी और बुराइयों को बुराइयां कहने वाले न रहेंगे, ये सबसे बड़ा खतरे की बात है। बुराइयां हो सकती हैं, इंसान इंसान है वो फरिश्ता नहीं है, बुराइयां कर सकता है, लेकिन सबसे बुराई सबसे बड़ी बुराई है कि बुराइयों को बुरा कहने वाले न रहे और बुराइयां पकती चली जाए। कि जब से क्यों बनाया गया, इसलिए बुलाया गया कि बुराइयों को बुराइयां कहा जाए, गलतियों को गलतियां कहा जाए, और जो करप्शन बढ़ रहा है और बुराइयां आम हो रही है, नशे की जो बुराई बढ़ती चली जा रही है, आदमी अपने भाई का गला काट रहा है, उसके अंदर खुदगर्जी पैदा हो गई है, इन बुराइयों को खत्म करने की जरूरत है, इसके लिए हम यहाँ पर जमा हुआ है। तो मेरे भाइयों वक्त नहीं है, मैं लंबी बात नहीं कह सकता, मुझे भी पर्ची दे दी जाएगी और मुझे बैठना होगा, तो इस पर इसके मुझे पर्ची दी जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बस तो आपकी मिशन लेकर जाइए, जो इंसानियत का मिशन है, जो मोहब्बत का मिशन है, जो हमदर्दी का मिशन है, और जो मानवता का एक संदेश है, कि संदेश देकर आप जाइए अपने घरों में और आप इसको आम कीजिए कि बुराइयाँ पढ़ रही हैं, खुदगर्जी पढ़ रही है। कोई आदमी किसी को देखता है भागता हुआ देख नहीं सकता, तो कहता है उसका गला काट दे। याद रखिए इंसानियत नहीं है, ये इंसान का काम नहीं, मानव का काम नहीं है, ये दानव का काम है, जानवर का काम है, कि वहाँ वो खाने के लिए अपना मुंह मारता है, कोई ताकतवर आ जाए एक धक्का मार कर वो खाने लगेगा और बढ़ा देगा, लेकिन इंसान का काम ये नहीं है। इंसान कमजोरों को देखता है तो उसके अंदर हमदर्दी पैदा होती, उसके अंदर मोहब्बत पैदा होती कि हमारे जैसे इंसान है, हम सब एक माँ बाप के औलाद हैं, हमें इसका ख्याल रखना। इसीलिए आप यहाँ पर आए, आप ही मैसेज लेकर जाइए कि हम इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे। और मैं आपसे क्या कहूँ, अपने मुसलमान भाइयों से कह सकता हूँ, उनके पास जो पैगाम है हुज़ूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का और जो अखलाक के नमूने हैं, ऐसे नमूने हैं, मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सामी साहब का, इन्होंने बहुत सी वो बातें बताई कि शायद आप ही ना जानते हो, बहुत हमारे मुसलमान भाई भी उनसे वाकिफ ना हो, ये इन्होंने जो मुताला किया है
अजीब बात है, इन्होंने सनातन धर्म के तो खास आदमी है और इन्होंने जो हिंदू मजहब का मुताला किया होगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने इस्लाम का ही मुताला किया और बहुत सी वो बातें कही तो शायद हम कहते हैं वो बातें इन्होंने कही। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे इन्होंने हमारा बहुत हल्का कर दिया, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि वो कुरान को सामने रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को सामने रखें, यही कामयाबी का रास्ता है। हम मुसलमानों से खास तौर से कहना चाहते हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर है, और मैं समझता हूँ कि अगर वो सही इस्लामी जिंदगी अख्तियार कर लें यही सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसानियत का पूरा पैगाम उसमें मौजूद है जिसे हम वाकिफ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक दे। और ये जिला जरा मुनाकिब किया गया इस मदरसे में, मैं समझता हूँ कि इससे आप तमाम लोगों को एक पैगाम मिलेगा, एक आज़म लेकर आप जाएंगे। मैं अपने मुसलमान भाइयों से फिर दोबारा कहता हूँ आप ये आज़म लेकर जाएंगे कि इस्लाम ने हमें जो कोई दिया है सच्ची बात यह है कुछ एक नमूना है, हम उसके लिए कोशिश करें अपनी जिंदगी खालिश इस्लामी जिंदगी बनाए। आप खुद देखेंगे कि आपके अखलाक में कैसी बुलंदी पैदा हो जाती है, कैसी हमदर्दी पैदा हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी हमारे सामी साहब ने कहा अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले कैसे दुश्मन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन जब मदीने मक्के में जब कहर पड़ा लोग परेशान हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के लिए उस जमाने में 500 दीनार का चंदा किया और रिलीफ के तौर पर किसको भेजा, अबू सुफियान को भेजा। आप चाहते थे अपने चचा को भेजे थे, अब्बास मौजूद थे, लेकिन उनको नहीं भेजा, आपने अबू सुफियान को भेजा। इससे मालूम होता है कि हमारे अंदर हमें जो सिखाया गया है वो क्या सिखाया गया है, हमें दुश्मनों को भी गले लगाना, हमें हर कमजोर की मदद करनी है चाहे मुसलमान हो या ना हो। हदीस में आता है अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिहि व यदिहि, कि सही मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से उसके हाथ से तमाम लोग महफूज रहे, तमाम लोग महफूज रहे, किसी को अजियत ना हो, तकलीफ ना हो। यह हमें इस्लाम सिखाता है। इस पर अमल करेंगे, सही इस्लामी जिंदगी अख्तियार करेंगे तो यही हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता है और यही आखिरत में भी कामयाबी का रास्ता है। हम दोबारा आप हजरात के मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ का इजलास आपके लिए एक पैगाम साबित होगा, इलाके के लिए एक रहमत साबित होगा, लोगों को जोड़ने का एक जरिया होगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि पैगाम इंसानियत आप जो काम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, एक लफ्ज हम जानना चाहते हैं, तो हम एक लफ्ज़ ही उनको कहते हैं कि भाई ये इंसानों को इंसानों से जोड़ने का काम, इंसानों को इंसानों से जोड़ने का काम। और जब इंसानों से इंसान जोड़ेंगे, अपने आप को उनसे मानूस करेंगे, उस इंसान कहाँ से बना निकला है, ये कौन से निकला है, मोहब्बत से निकला है, तो जिंदगी कैसे मजा है इसमें, जिंदगी का मजा है। आप भूखो खाना खिलाइए, आपको पाका कर लीजिए, आपको जिंदगी का मजा है, इसकी जरूरत है। हमने इसके लिए अगर कदम बढ़ाया तो इसके लिए कोशिशें की तो आप कामयाब होंगे, हमें यहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। फिर आप हजार का शुक्रिया अदा करते हुए सच्चा चाहता हूँ कि फौरन सफर भी करना